बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बना रही हूँ लाहौर ब्रोस्ट। उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन ले लिए है, उसके मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं। सुरख मिर्च मैंने 2 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, दही मैंने लिए है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसब ज़रूरत या 1 टेबलस्पून भर के ले लें। सब कुछ पहले मैं दही में मिक्स करूँगी। ये 1.5 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल लूँगी और 2 टीस्पून मैं सुरख मिर्च। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और ये अदरक। दही ज़्यादा नहीं लेनी, इसको मुझे गाढ़ी गाढ़ी ही पेस्ट चाहिए। ये मैंने ठीक मसाला लगाना है और इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। आजकल सर्दी है, बाहर ही पड़ा रहे, कुछ नहीं होता, वरना फ्रिज में रख दें। ये सारा मसाला अच्छी तरह लग गया है, इसको अब मैं पड़ा रहने दूंगी मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए। मैरिनेट हो गया चिकन, अब मैं इसको, ये एक देसी में पानी रखा है मैंने, इसके ऊपर ये छलनी रख लूँगी और ये सारा चिकन इसमें डाल के स्टीम पे लगा दूँगी और मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी। ये स्टीम पे मैंने रख दिया है, अब मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी। चिकन ठंडा हो गया, इसको मैं एक अंडा बीट करके सारे चिकन में लगा दूँगी। आधा कप मैदा, कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून, ये सफ़ेद तिल, थोड़ा सा नमक क्योंकि ये भी फुल स्पाइसी है चिकन, और काली मिर्च। ये सब कुछ मिक्स कर लूँगी। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट तैयार होगा। इसको बहुत ही अच्छी तरह कोटिंग करनी है, हाथों से दबा दबा के। इस तरह कोटिंग करते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। ये सारी कोटिंग हो गई है,
अब मैं इसे गरम ऑयल में डालती जाऊँगी। फुल गरम ऑयल में डालना। इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये एक साइड हो रही है, अब मैं इसे पलट दूंगी। चिकन तैयार हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये सारा देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट तैयार हो गया है। बनाएं और मज़े करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।